हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास के अंदर अपना जो मेजर टेस्ट था जेईई मेंस का 6th, उसका मैथ्स का सॉल्यूशन। सो माई सेल्फ ताराचंद, टीम मैथ्स सीएलसी सीकर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो वेक्टर्स वी एंड डब्ल्यू आपके इस तरीके से है। ये वी दिया गया है और डब्ल्यू भी दिया गया है। साथ में आपको वेक्टर यू दिया गया है जिसका मॉडुलस गिवन है आपको 2। और ये दिया गया कि इफ यू इज ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, इसका मतलब इसका जो जेड कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन दी ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है ये हमें निकालनी है। तो देखिए, इसका मॉडुलस 2 है, तो मान लेते हैं कि जो यू वेक्टर है हमारा वो क्या होगा, यू वेक्टर देयर विल बी इक्वल टू 2 cos θ आई के प्लस 2 sin θ जे के, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन के अंदर 2 मॉडुलस का एक वेक्टर ले लिया हमने, 2 cos θ आई के प्लस 2 sin θ जे के। और जैसे जैसे cos थीटा और साइन थीटा वेरी करेंगे आपके सामने, ठीक है ना, इसका जो भी मॉडुलस है वो हमेशा 2 ही रहेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू आपस में इस तरीके से वेरी करेगी। और आपके सामने इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हम निकाल लेंगे cos थीटा और साइन थीटा की हेल्प से। सो चलिए बात करते हैं, यू वी डब्ल्यू तीनों का ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे सामने, यू वी डब्ल्यू डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं हम लोग। यू वेक्टर कितना है हमारा, यू वेक्टर अभी अभी जो हमने लिया है 2 cos θ 2 sin θ और साथ में आ जाएगा 0। यू के बाद में वी वेक्टर कितना है हमारा, 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 और साथ में हमारा डब्ल्यू वेक्टर कितना है, 1 0 3 देयर विल बी 1 0 एंड 3। तो ये डिटरमिनेंट है, इसको हमें सॉल्व करना है और साथ में हमें इसका स्क्वायर भी निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखिए बात करते हैं, 2 cos θ यहाँ से आएगा 3 प्लस 0, सो 3 × 2 देयर विल बी 6 cos θ 6 cos θ। ऐसे ही आपके सामने आएगी यहाँ से वैल्यू -2 sin θ और यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 6 प्लस 1, सो देयर विल बी 7 और लास्ट में 0 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसका भी आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और इसकी मिनिमम, इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी आएगी, क्योंकि हमें इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए। तो देखिए, आप सबको पता होगा 6 cos θ -14 sin θ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, देयर विल बी 36 प्लस 14 का स्क्वायर कितना आएगा, 2 को कॉमन ले लीजिए तो बाहर आ जाएगा आपके सामने 4। अच्छा, इसका स्क्वायर करना है तो रूट से स्क्वायर तो कट जाएगा, सो 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 9 प्लस 7 का स्क्वायर, देयर विल बी 49, सो देयर विल बी 4 × 58। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है, 8 × 4 32, 5 × 4 20, 20 + 3 23, सो 232। ये जो होगा आपका क्या होगा, आंसर होगा। और इस तरीके से आपका जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या है, सही है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है, आपको 3 वर्टेक्स दिए गए हैं ए बी सी और ये बोला गया है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स है। लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए दे रखी है आपको 2b, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए ध्यान से अगर आप इन वर्टेक्स को देखेंगे, ठीक है ना, ए बी और सी, ये जो 3 वर्टेक्स दिए गए हैं आपको इस तरीके से ए बी और सी, ठीक है। तो इन तीनों वर्टेक्स को अगर मैं -1, 2 अगर अंदर एक पॉइंट, कोई पॉइंट ले लेता हूं -1, 2 और इस पॉइंट से अगर मैं इन सबकी डिस्टेंस देखता हूं, क्यों -1, 2 लिया, क्योंकि सभी में यही प्रेजेंट था, तो सबसे जो डिस्टेंस आ रही है मेरे सामने वो कितनी आ रही है, वो ए के इक्विवेलेंट आ रही है। दैट मीन्स ये भी ए है, ये भी ए है और साथ में ये भी ए दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1, 2 क्या होगा, -1, 2 आपका इस सर्कल का सेंटर होगा और ये क्या होता है आपका सर्कम सर्कल, जो आपसे पूछा गया है कि इसका सेंटर कितना दिया गया है आपको, -1, 2। साथ में इसकी रेडियस ए है, लेकिन ए में हमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, हमें ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसकी रेडियस हमें बी के फॉर्मेट में निकालनी पड़ेगी। हमें दिया गया था लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू पॉइंट ए, पॉइंट वर्टेक्स ए से अगर हम एक मीडियन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उस मीडियन की जो लेंथ होगी आपके सामने वो कितनी दे रखी है, 2b। तो इसकी जो ये रेडियस वाला जो पार्ट होगा इतना, ये कितना हो जाएगा,
ये होगा आपके सामने 2 बाई 3 टाइम इंटू 2b। 2 बाई 3 क्यों हुआ? क्योंकि मीडियन इसको 2:1 में डिवाइड करती है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो मीडियन की ये जो लेंथ होगी ना, वही इस सर्कल की रेडियस होगी और वो आ जाएगी आपकी 4b/3। सेंटर आपको पता चल गया, रेडियस आपको पता चल गई, आप आराम से अपना क्या कर सकते हो, सेंटर कितना है -1, 2, तो आप अपनी इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए कितनी आ रही है, x+1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 4b² / 9। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, 9 को इधर मल्टीप्लाई किया, सो देयर विल बी 9x² अच्छा 4b का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4b वहां पर प्रेजेंट है, r² होता है, सो 16/9। देखिए 9x² प्लस 9y² प्लस 2x, सो 18x हो जाएगा, -4y -36y हो जाएगा, 4+1 5, 5+5 × 9 देयर विल बी 45 एंड -16b² और ऐसा जो भी ऑप्शन आपको दिया गया है वो आपका सही आंसर है। तो देखिए 9x² प्लस 9y² प्लस 18x -36y प्लस 45 एंड -16b² ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से कीजिए कैलकुलेशंस को। थोड़ा सा आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको दिया है, द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल। देखिए टेंजेंट वर्टिकल कब होती है, जब उसकी क्या हो जाए, उसकी स्लोप अनडिफाइंड हो जाए, और स्लोप अनडिफाइंड कब होती है, जब dy/dx की जो टर्म आ रही है आपकी, उसका डिनोमिनेटर कैसा हो जाए, जीरो हो जाए। तो चलिए बात करते हैं dy/dx क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिलेगा 3y² × dy/dx प्लस 6x विल बी इक्वल टू 12 times dy/dx, यही आएगा। इसको सोल्व किया, देखिए dy/dx की वैल्यू कितनी आ रही है, dy/dx आ जाएगा आपका 6x/12 − 3y². अब देखिए 12 − 3y² तो ये अनडिफाइंड कब बनेगा, क्योंकि टेंजेंट वर्टिकल तभी होगी जब ये अनडिफाइंड हो जाए, और ये अनडिफाइंड बनेगा जब y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, y स्क्वायर की वैल्यू 4 के इक्वल आ जाए, मीन्स y की वैल्यू या तो 2 आ जाए और या y की वैल्यू -2 आ जाए। दोनों केस में देखते हैं कि क्या आ रहा है आपका x। जब y 2 होगा तो y को अगर 2 पुट करेंगे इस कर्व में तो हमें मिलेगा 3x² विल बी इक्वल टू 12 × 2 = 24 − 8। सो x² की वैल्यू आ जाएगी आपकी 16/3, यानी कि x की वैल्यू ±4/√3। तो एक तो आपका x ±4√3, 2 मीन्स ये ऑप्शन आ सकता है, और या फिर -2 पर भी देखते हैं, -2 पर कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा 3x² विल बी इक्वल टू −24 + 8। तो x² की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, −16/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि x² हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पर कितना आ रहा है आपके सामने, नेगेटिव आ रहा है, तो ये आपका सेकेंड केस नहीं हो पाएगा। तो आपका पहला केस ही सही होगा और आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है जो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि इफ fx इक्वल टू दिस देन द सम ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर fx हैज लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए हमें इसका इसको एनालिसिस करना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब हमें लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा पता चलेंगे। या तो ग्राफ बनाएं या डिफरेंशिएशन करें, तो क्योंकि लीनियर है तो ग्राफ बना सकते हैं इजीली। तो इसको ब्रेक करते हैं, सबसे पहले x जब 0 से ग्रेटर होगा तो देखिए कितना आएगा, जब x 0 से बड़ा होगा तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा x+2 इक्वल टू भी ले सकते हो, यहाँ बनेगा माइनस का मॉड टाइम x+2 और साथ में माइनस का 2x, तो कितना आया 3x+2 और यहाँ से बनेगा माइनस का मॉड 2 − x, या इसको आप वापस लिख सकते हो मॉड x − 2। तो इसको देखिए फिर से हमें आगे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब कहाँ ब्रेक करेंगे, अब इसको ब्रेक करेंगे हम जब x 2 से बड़ा होगा और जब x 2 से छोटा होगा। तो जब x 2 से ग्रेटर होगा तब क्या होगा, देखिए
एक्स टू से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये बन जाएगा 2x plus 4, और जब x आपका 2 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, तो ये बन जाएगा 4x, और ये हो जाएगा आपके सामने यहाँ पर कितना, प्लस के साथ खुलेगा तो -x plus 2, और यहाँ खुलेगा तो प्लस एक्स, और प्लस एक्स माइनस टू, तो 2 से 2 कट जाएगा, सो देयर विल बी 4x। तो ये तो हो गया आपका जब x 0 से ग्रेटर है। अब बात करते हैं जब x 0 से कैसा है, 0 से तो छोटा है और माइनस 2 से बड़ा है, ये वाला केस। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो मॉड एक्स होगा वो तो कैसा खुलेगा, मॉड एक्स तो खुलेगा आपका किसके साथ, नेगेटिव साइन के साथ, और x प्लस 2 खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये बनेगा -2x, साथ में यहाँ पर ये खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ x प्लस 2, और माइनस ऐसा ही यहाँ पर होगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 का मॉडुलस कितना है, ये प्लस साइन के साथ में, सो x प्लस 2, और -2x ये नेगेटिव साइन के साथ, सो +2x, और इस पूरे का मॉडुलस, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x plus 2। ठीक है, तो फिर से देखिए आपको यहाँ पर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, दो पार्ट्स में, जैसे अभी किया था, जब x आपका यहाँ पर क्या होगा 3x plus 2 आ रहा है, 3x plus 2 means -2/3, जो कि इसके बीच का ही पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, x plus 2 पॉजिटिव साइन के साथ और ये नेगेटिव साइन के साथ, तो ये तो बन जाएगा +2x, और ये x plus 2, तो ये बनेगा 3x plus 2, तो x इक्वल टू -2/3 पर ये फिर से ब्रेक होगा। तो देखिए कितना आ रहा है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर -2x plus x, कितना हो जाएगा -3x plus 2। पहला केस देख रहे हैं, जब x कैसा हो, ग्रेटर देन हो -2/3 से, तो ग्रेटर होगा तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ में ये हो जाएगा -3x minus 2। क्लियर है, इसी के साथ आपको दूसरी वाली टर्म देखनी है, ठीक है ना, जब ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं, जब ये दूसरा केस होगा, जब -2/3 से छोटा होगा, जब x लेस देन -2/3 के साथ होगा, तो ये नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, और यहाँ पर आपको ये मिलेगा -3x plus 2, में तो कोई चेंज है नहीं, और ये बन जाएगा +3x plus 2, तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आ जाएगा 4, तो y इक्वल टू 4 आ गया, सिर्फ कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है ना, -3x से +3x कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर इसे कैंसिल आउट होकर ये हो जाएगा -6x, ठीक है, तो ऐसा आपको कुछ मिलेगा। इसी के साथ नेक्स्ट केस है आपका, जब x कैसा हो जाए, -2 से छोटा हो जाए, तो जब x -2 से लेस होगा, तो उस केस में देखिए क्या होगा, जब भी x -2 से लेस होगा तो सब नेगेटिव साइन के साथ खुलेंगे, -2x minus x minus 2, और अंदर भी आपके मॉडुलस के अंदर भी ये +2x बन जाएगा, और ये -x minus 2 का मॉडुलस। तो देखिए फिर से दो केस बनाने पड़ रहे हैं क्या, यहाँ पर आपके सामने -3x minus 2, और यहाँ से कितना आ रहा है, देखिए यहाँ से मिलेगा आपको कितना, अच्छा यहाँ पर हमने -2x plus x, ये कितना होगा, माइनस का x होगा ना, -x plus 2, और यहाँ पर भी आपका होगा -x plus 2, ठीक है ना, देखिए लाइन ही बनेगी, यहाँ पर कितना बनेगा, देयर विल बी 2x plus 4, और यहाँ पर कितना बनेगा, -3x, और माइनस माइनस का 4x बनेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये रहेगा। सो चलिए इधर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है x minus 2, तो ये x इक्वल टू 2 पर ब्रेक होगा, तो x इक्वल टू 2 के इधर ये हमेशा ही आपका कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि x इक्वल टू 2 के आगे पॉजिटिव होगा, और x इक्वल टू इसके इधर हमेशा नेगेटिव होगा, तो ये हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही खुलेगा जब माइनस में रहेगा, तो ये बन जाएगा प्लस का x और साथ में माइनस का 2, ठीक है ना, माइनस साइन के साथ खुलेगा, तो जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा, तो ये बनेगा -2x minus 4। अब देखिए आप इन सबके ग्राफ्स बना सकते हैं, क्लियर, तो क्या आएगा देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका -2, -2 के बाद आपका पॉइंट क्या आया था, -2/3, -2/3 के बाद 0, 0 पर हमने इसको ब्रेक किया था, और 0 के बाद में ये ब्रेक हुआ था आपका 2 पर, तो ऐसा रहेगा। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी कर लीजिए, इधर से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो आपकी जो लाइन आएगी वो इधर से आएगी, और x इक्वल टू -2 पर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बिल्कुल ये इस पॉइंट पर आएगा, x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा।
इसके बाद चलते हैं माइनस टू से माइनस टू बाई थ्री के साथ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव इंटरसेप्ट, ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे। उसके बाद में फिर से आपके सामने कैसी है, नेगेटिव स्लोप, फिर से नीचे की तरफ आएंगे और x इक्वल टू जीरो पर जीरो की तरफ, तो यहां पर पहुंच जाएंगे जीरो से टू के बीच में, ठीक है ना। इसको हमने जीरो से टू में ब्रेक किया था, तो जब जीरो से टू के बीच में है तो आपके सामने फोर एक्स रहेगा, और जब टू से बड़ा है तो आपके सामने ये रहेगा। तो पहले आपके सामने ज्यादा स्लोप वाली लाइन चलेगी और उसके बाद में कम स्लोप वाली लाइन इधर ही इसी तरीके से चलेगी। तो इस टाइप का आपका क्या रहेगा, ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ में आप आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। आपके जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो एक तो माइनस टू है, एक जीरो है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सिर्फ एक ही पॉइंट है, दैट इज माइनस टू बाई थ्री। आपसे क्या पूछा है, द सम ऑफ ऑल पॉइंट्स वेयर एफएक्स हैज लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम, तो इन सब का सम करना है आपको। देखिए टू वाला जो पॉइंट है ना वो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा नहीं है, ठीक है, वो तो आपका कोई भी एक पॉइंट है जहां पर बस फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बट वो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा नहीं है। और इस तरीके से आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पर वो सही हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों नंबर्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा, माइनस एट बाई थ्री। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फाइव। क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपसे पूछा है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस विल बी इक्वल टू, तो देखिए कौन सा फॉर्मेट है ये, अभी इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्मेट है, तो इसको जीरो बाई जीरो बना लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं वन माइनस साइन एक्स की पावर वन अपॉन एन डिवाइड बाई वन अपॉन एन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन भी है लिमिट भी है, तो पहले लिमिट निकाल लेते हैं फिर इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, कोई सा भी काम पहले कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जीरो से पाई पाई टू, तो चलिए बात करते हैं, जीरो बाई जीरो फॉर्म है, एन वेरिएबल के साथ में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए कितना आएगा। सबसे पहले पावर के अंदर वेरिएबल है, तो ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ए की पावर एक्स ही होता है वन का जीरो, तो यहां से आएगा माइनस का साइन एक्स की पावर वन अपॉन एन, ए की पावर एक्स का हो गया। फिर एक इसके बेस का आता है, दैट इज एल एन ए, सो एल एन ऑफ साइन एक्स, और उसके बाद में साइन, क्योंकि हम वन बाई एन के अबाउट देखिए डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो उसमें साइन एक्स का कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है ना, वन अपॉन एन का डिफ्रेंशिएशन होगा, दैट इज माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, और डिवाइड बाई नीचे वन अपॉन एन का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर, और इंटीग्रेशन और लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब देखिए क्या बनेगा, ये कट जाएगा, इसके अंदर इंफिनिटी पुट करोगे तो वन अपॉन इंफिनिटी जीरो, और साइन की पावर जीरो कितना हो जाएगा वन, तो ये आ जाएगा माइनस, लिमिट कैलकुलेट हो जाएगी जीरो से पाई पाई टू एल एन साइन एक्स, और इसका फॉर्मूला आप सबको पता होगा क्या होता है, आप सबने याद किया होगा, नहीं याद किया तो याद कर लीजिए, एल एन साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है जीरो से पाई पाई टू, ऐसे याद कीजिए वन अपॉन पाई अपॉन टू इंटू एल एन वन अपॉन टू, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चनों में डायरेक्ट यूज होता है और इसका डेरिवेशन काफी बड़ा होता है। तो देखिए कितना आएगा, माइनस साइन पाई अपॉन टू इंटू एल एन वन अपॉन टू, देखिए शायद ऐसा कोई नेगेटिव ऑप्शन आपको नहीं दे रखा है जिसमें माइनस पाई पाई टू इंटू एल एन वन अपॉन टू हो, तो क्योंकि सब जगह टू में दे रखा है तो इसको टू में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई पाई टू इंटू एल एन टू, एक माइनस साइन यहाँ से आएगा जिससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई पाई टू इंटू एल एन टू, और इस तरीके से आपका जो सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए फिर से आपका इंटीग्रेशन से है, सो बात करते हैं, देखिए दो इंटीग्रेशन दिए गए हैं और दोनों का रेशियो पूछा है, तो हमेशा एक दूसरे को कन्वर्ट, एक में दूसरे को कन्वर्ट करते हैं हम लोग, तो क्योंकि इसमें इनवर्स है तो इसी को टैकल कर लेते हैं। एक्स को पुट कर दिया टेन थीटा, तो डी एक्स कितना हो जाएगा, सेग स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, देखिए कितना आएगा, जब एक्स जीरो होगा सो थीटा भी जीरो होगा, जब एक्स वन होगा तो थीटा कितना हो जाएगा पाई पाई फोर, ऊपर बन जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा इज थीटा, जीरो से पाई पाई फोर में थीटा ही हो जाएगा, डी एक्स सेग स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और डिवाइड बाय नीचे एक्स कितना आ जाएगा टेन थीटा। इसको सोल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा थीटा वन अपॉन कॉस स्क्वायर और साइन अपॉन कॉस, तो नीचे साइन थीटा और ऊपर से एक कॉस थीटा और आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू से डिवाइड कर दीजिए, जीरो से पाई पाई फोर के बीच, तो क्या आएगा देखिए, टू थीटा डिवाइड बाई साइन टू थीटा इंटू डी थीटा,
ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास L2। आगे बात करते हैं, क्योंकि हमें लिमिट भी 0 से पाई पाई 2 में चाहिए, तो फिर से देखिए कन्वर्ट करते हैं। इस बार 2 थीटा को टी मानते हैं, 2 थीटा को टी मान लिया, तो देखिए कितना आएगा, 2 इंटू डी थीटा कितना हो जाएगा, डी टी। तो यहां से देखिए 2 थीटा को हमने टी माना था, तो ये तो बन गया टी, और ये बन जाएगा साइन टी, और डी थीटा कितना हो जाएगा आपका, डी टी बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी आपकी 0 से पाई पाई 2 के अंदर। और ऐसा ही इंटीग्रेशन आपको ये दिया 0 से पाई पाई 2 एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा एल वन डिवाइड बाई 2, तो एल 2 इक्वल टू आ गया एल 1 बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा, एल 1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम। अच्छा आपसे पूछा क्या है, एल 1 बाई एल 2, एल 1 को एल 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो आपका जो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे पूछा है कि द रीजन रिप्रेजेंटेड बाई दिस एंड दिस, इन दोनों से जो बाउंडेड जो रीजन होगा वो कौन से रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 2 कैसी लाइन होती है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 आपके सामने इस टाइप की एक लाइन होती है, x एक्सिस पर पॉजिटिव x एक्सिस और नेगेटिव x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करती है। क्लियर है, अब देखिए आपका इसके ऊपर मॉडुलस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 भी हो जाएगी और x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2 भी हो जाएगी, मीन्स आपकी जो दूसरी जो लाइन है वो भी आ जाएगी, और दूसरी लाइन कौन सी होती है आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2। ऐसे ही आपकी दूसरी लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, मीन्स x पर पॉजिटिव और y पर नेगेटिव इंटरसेप्ट, तो वो लाइन बनेगी आपकी एसी, और ऐसे ही दूसरी लाइन जब x पर नेगेटिव और y पर पॉजिटिव, तो वो लाइन बनेगी आपकी कुछ इस तरीके से, और ये बिल्कुल आपके सामने बनेगा यहाँ पर y एक्सिस अगर आप देखेंगे, और ये बनेगा आपका इधर से x एक्सिस। तो आपका अगर फेयर डायग्राम की हम बात करें तो इस टाइप का डायग्राम मिलेगा आपको, दो लाइन तो इधर और दो लाइन इधर, और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, 2, 2, 0, -0, -2 और -2, 0, इस टाइप से आ जाएगा। क्लियर है, अब आपको क्या बोला गया है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए सारी लेंथ भी इक्वल है और ये 90 डिग्री पर भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक स्क्वायर होगा आपका, ठीक है, जिसकी साइड लेंथ कितनी होगी, 2√2, और 2√2 होगा तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। पहला गलत हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर का एरिया 16 नहीं आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना, 1/2 इंटू, आप वैसे भी निकाल सकते हो 2 × 2/2, इस एक ट्राइंगल का एरिया 2 है तो टोटल 4 ट्राइंगल है, उसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो चलिए बात करते हैं y स्क्वायर dx प्लस x dy विल बी इक्वल टू dy अपॉन y। तो देखिए x एक ही जगह पर है तो लीनियर बना लेते हैं इसको, तो देखिए कितना आएगा dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू x और प्लस 1 अपॉन y क्यूब, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू dy, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन y, इससे मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं कितना आएगा, तो यहां से मिलेगा आपको x इंटू ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन y, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा आपके सामने, यहां पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है, इधर आएगा आपके पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन y, 1 अपॉन y क्यूब को लिख दिया 1 अपॉन y इंटू 1 अपॉन y, इसकी एक माइनस साइन यहां पर, चलिए माइनस साइन की जरूरत नहीं है, सीधा ही कर लेते हैं, y स्क्वायर इंटू dy और इसका इंटीग्रेशन, इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन y को t मान लिया, तो 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू dy कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, देखिए e टू दी पावर t, यहाँ पर माइनस t आएगा, ठीक है, लेकिन माइनस साइन को चलिए बाहर निकाल देते हैं, और ये बन जाएगा dt।
इसको आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो टी प्लस वन माइनस वन करके कर सकते हो, और या चाहो तो सीधा भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा करके। इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माना, तो माइनस साइन तो बाहर है ही, इसको इंटीग्रेट किया तो e की पावर t का इंटीग्रेशन यही होगा, t इंटू e की पावर t, उसका डिफ्रेंशिएशन और फिर उसका इंटीग्रेशन वापस करेंगे तो वापस आएगा माइनस e की पावर t और प्लस c। और इधर कितना है, x इंटू e टू दी पावर माइनस वन अपॉन y को माना था, सो दैट इज t। तो ये आपकी पूरी इक्वेशन आ गई। अब आपको इसमें दिया है कि x इक्वल टू वन पर y की वैल्यू 1 है, तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को x और y में लेके आते हैं और फिर देखते हैं कि कितना आएगा। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, याद रहेगा शायद हमने किसको क्या पुट किया था। सबसे पहले t किसको माना था, माइनस वन अपॉन y को, तो एक काम करते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें, e की पावर t से मल्टी, e की पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बन जाएगा x विल बी इक्वल टू माइनस साइन टी। टी किसको माना था, माइनस वन अपॉन वाई, सो माइनस वन अपॉन वाई माइनस वन प्लस सी इंटू ई टू दी पावर, ये माइनस टी बन जाएगा, तो माइनस टी की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन वाई, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा कुछ। चलिए बात करते हैं इसके अंदर अगर हम पुट करें किसको, x को 1 और y को भी 1, तो देखते हैं e कितना आ रहा है, c कितना आ रहा है। x को 1 पुट किया तो 1, ये माइनस वन और माइनस वन कितना बन जाएगा आपका, माइनस टू बन जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस टू बन जाएगा अगेन, प्लस c इंटू ई, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए c की वैल्यू कितनी आ गई, c इक्वल टू आ गया माइनस वन अपॉन ई, c की वैल्यू माइनस वन अपॉन ई आ गई, सो माइनस वन अपॉन ई यहाँ पर पुट कर दे। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है जब y 2 होगा, तो चलिए बात करते हैं x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू जब y 2 होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1, दैट इज 3 बाई 2, माइनस माइनस प्लस, सो 3 बाई 2, और साथ में यहाँ पर आएगा y को कितना 2 पुट करना है, तो ये c कितना था, माइनस 1 अपॉन e, और जब y को आप 2 पुट करोगे तो ऊपर बनेगा रूट e, तो नीचे आ जाएगा आपका रूट e, सो 3 बाई 2 माइनस 1 अपॉन रूट e, ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन जो कि सही होगा। क्लियर है, एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर ले, बाकी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे एक इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और एक पॉइंट दे रखा है ए जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और पॉइंट ए से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो वाई एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसी कंडीशन दे रखी है आपको ए बी इक्वल टू बी सी, ठीक है, और ए बी, ए बी और सी क्या है, ये जो लाइन ड्रॉ करोगे वो और ये जो लाइन दे रखी है आपको ये किस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं, देखिए ये ओरिजिन से पास होने वाली कोई भी दो लाइन से होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, ओरिजिन से पास होने वाली दो लाइन्स, एक्स एक्सिस पर एक कोई पॉइंट है ए जहां से आपको क्या करनी है, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको पॉइंट बी तथा सी पर कट कर रही है, कहां पर, बी और सी पर, और यहां पर आपको दिया गया कि ए बी और बी सी सेम है, मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा जीरो है, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, तो मान लेते हैं कि इसकी इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम वन एक्स और इसकी इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम टू एक्स, ठीक है, तो अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा है तो यहां पर भी अल्फा होगा, और x अगर अल्फा है तो ये हो जाएगा m1 अल्फा, ऐसे ही यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, अल्फा कॉमा m2 अल्फा, और हमें जो दे रखा है अगर हम वो कंडीशन लगाए कि ab इक्वल टू bc, तो यहां से हमें मिलेगा, देखिए अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा, m1 विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1, तो यहां से आपको एक कंडीशन मिलेगी m2 इक्वल टू 2 टाइम m1, दैट विल बी द इक्वेशन नंबर 1। इसके अलावा आपको इसकी स्लोप के अंदर रिलेशन पता होता है, m1 प्लस m2 कितना होता है, m1 प्लस m2 होता है हमारा माइनस टू एच अपॉन बी, और m1 m2 कितना होता है a अपॉन बी, तो यहां पर देखिए पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिलेशन आ रहा है h a और b में, तो m2 की जगह 2m1 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 3m1 विल बी इक्वल टू माइनस टू एच अपॉन बी, और यहां से ये वैल्यू इसमें पुट करें
m2 की जगह 2m1, तो ये बनेगा 2 इंटू m1 का स्क्वायर, ठीक है। और m1 कितना है आपके पास में, m1 है माइनस 2h अपॉन 3b, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 9 इंटू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और इक्वल टू में आपके सामने कितना आ जाएगा, a बाई बी, ठीक है ना, ये पार्ट आ रहा है। तो देखिए एक b से b कट जाएगा और यहाँ से आपको मिलेगा 8h स्क्वायर इक्वल टू 9 टाइम ए बी, और ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन, जो कि आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, देखिए टू सर्कल्स आर ड्रॉन थ्रू दी पॉइंट 1,0 एंड 2,-1 एंड टू टच द एक्सिस ऑफ वाई द इंटरसेक्ट एट एन एंगल। देखिए क्या है कि दो सर्कल आपके इन पॉइंट से पास कर रहे हैं, दो सर्कल इन पॉइंट से पास कर रहे हैं, दोनों सर्कल आपके इन्हीं पॉइंट से पास कर रहे हैं 1,0 और साथ में है आपके सामने 2,-1 और साथ में ये दोनों सर्कल आपके वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें इनकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, एक तो इस लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी और एक पॉइंट सर्कल चाहिए होगा, यानी सर्कल की इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्मेट में। तो सर्कल की इक्वेशन तो हम आराम से लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू प्लस वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस वन दैट इज प्लस वन प्लस लेमडा टाइम। इस लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी, लाइन की इक्वेशन आएगी देखिए वाई माइनस जीरो इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन इंटू एक्स माइनस वन, तो ये आ जाएगी x प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो लेमडा टाइम x प्लस वाई माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें आपको कंडीशन लगानी है कि अगर ये x एक्सिस को y एक्सिस को टच कर रही है तो क्या कंडीशन होगी। देखिए कोई भी सर्कल अगर y एक्सिस को टच करता है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि उसकी जो रेडियस होगी वो उसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, अल्फा के इक्वल होगी, और बीटा जो होगा, ठीक है ना, वो अलग होगा, क्योंकि रेडियस और x कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा। तो यहाँ से आपको वो कंडीशन लगानी है, उसके लिए हमने इस सर्कल को लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वाई, और साथ में लिखा प्लस लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई माइनस लेमडा और प्लस टू विल बी इक्वल टू जीरो इस फॉर्मेट में। तो देखिए वो कंडीशन लगाते हैं रेडियस कितनी होगी इसकी, रेडियस के पहले एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का थ्री माइनस लेमडा डिवाइड बाई टू, तो इसका स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू अगेन एक्स कोऑर्डिनेट थ्री माइनस लेमडा अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, वाई कोऑर्डिनेट आएगा देखिए लेमडा प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, माइनस साइन आएगा लेकिन स्क्वायर करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस सी, सो देयर विल बी लेमडा माइनस टू विल बी बस, ठीक है ना, ये इसके इक्वल। तो देखिए ये तो कट जाएगा और यहाँ से देखिए आपका आंसर आएगा लेमडा स्क्वायर प्लस टू लेमडा प्लस वन प्लस फोर लेमडा माइनस एट विल बी इक्वल टू जीरो। तो आपको मिलेगा यहाँ से लेमडा स्क्वायर प्लस सिक्स लेमडा माइनस सेवन विल बी जीरो। तो इसके फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर्स आ रहे हैं देखिए लेमडा प्लस सेवन इंटू लेमडा माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो। तो लेमडा की दो वैल्यूज आ रही है, एक लेमडा इक्वल टू वन और दूसरी माइनस सेवन। लेमडा की ये दोनों वैल्यूज जब पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको सर्कल के दो इक्वेशंस मिलेंगे और वो जो दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, वहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए कितना आ रहा है, एक बार ट्राई करते देखें। पहले लेमडा की वैल्यू वन पुट कर देते हैं, ठीक है ना, वन पुट करने से देख लीजिए इजीली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू वन पुट करेंगे तो माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स बन जाएगा माइनस टू एक्स, यहां पर लेमडा वन पुट करेंगे तो वाई की टर्म बनेगी वाई प्लस वाई दैट इज प्लस टू वाई, और कॉन्स्टेंट टर्म बनेगी जब आप यहां पर वन पुट करेंगे तो टू माइनस वन दैट इज वन विल बी इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन तो आपकी ये आ जाएगी। माइनस सेवन पुट करेंगे तो माइनस सेवन माइनस थ्री माइनस टेन, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन एक्स, यहां माइनस सेवन पुट करेंगे तो माइनस सेवन वाई प्लस वाई दैट इज माइनस सिक्स वाई, और यहां पर माइनस सेवन पुट करेंगे तो माइनस सेवन प्लस सेवन प्लस टू दैट विल बी नाइन विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा, ये आपके दोनों सर्कल्स आ गए। अब आपको क्या बताना है कि ये जिस दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है ना, वहां पर एंगल क्या होगा। तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए इसकी रेडियस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये एंगल थीटा, तो आर वन आर टू और सेंटर के बीच की डिस्टेंस डी, ये तीनों निकालेंगे और ये तीनों चीज निकाल करके जब हमारे सामने ये आ जाएगा तो यहाँ से हम वो एंगल आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, सेंटर है आपका पहले का 1,-1, इसका सेंटर है 5,3,
ठीक है। तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, 5 माइनस 1 4 और 3 प्लस 1 दैट इज अगेन यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 3 बिल्कुल, और यहाँ पर आपके सामने आ रहा है x के अंदर जब 1 पुट करेंगे तो -2x और y के अंदर जब 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने कितना आएगा, बिल्कुल 1 प्लस 1 2y, तो इससे 1, -1 और यहाँ से 5, 3, सो 5 माइनस 1 4 और 3 माइनस 1 दैट विल आल्सो 4। सो चलिए बात करते हैं cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है। cos थीटा विल बी इक्वल टू r1 square, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस 1 प्लस 1 माइनस 1 का रूट, सो देयर विल बी 1। r2 दूसरे वाले की रेडियस, दूसरे वाले की रेडियस कितनी आएगी, देखिए दूसरे वाले की रेडियस आएगी हमारे सामने r2, इसकी रेडियस r2, ये r1 थी, ठीक है ना, r1 की वैल्यू 1, r2 की वैल्यू आएगी 25 प्लस 9 माइनस 9 का रूट, सो देयर विल बी 5। सो चलिए बात करते हैं cos थीटा विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस, इनके बीच की डिस्टेंस 5 माइनस 1 4, देयर विल बी 16 और 3 प्लस 1 अगेन 16 और डिवाइड बाई 2 into a into b, देयर विल बी 5 into 1, कितना आ रहा है देखिए cos थीटा 26 माइनस 16, ठीक है, और प्लस 16, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी cos थीटा की 16 और 16 32, 32 माइनस 26, देयर विल बी -6/10, सो माइनस का 3/5। अब देखिए cos थीटा -3/5 है तो बीच का एंगल नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो हम एक्यूट एंगल देख लेते हैं कितना होगा, तो एक्यूट एंगल होगा आपका 3/5, क्योंकि आपको ऑप्शन में भी सारे एक्यूट एंगल ही दिए गए हैं। तो cos थीटा 3/5 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जो कि कोट के फॉर्मेट में या टेन के फॉर्मेट में। तो cos थीटा अगर 3/5 है तो यहाँ से cot थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cot होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस आपका 3 ही है और परपेंडिकुलर आ जाएगा आपका 4, तो cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4, और ऐसा ऑप्शन आपको बिल्कुल दिया गया है, देयर विल बी cot इनवर्स 3/4, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा था ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा एंड में कीजिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के, हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, 11 बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कई बार जेई एडवांस में भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा इसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए थी, इसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3 वर्टेक्स दे रखे हैं ट्राइंगल ओ पी क्यू के, एंड आर इज ए पॉइंट इन साइड द ट्राइंगल सच देट एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी आर पी क्यू आर ओ क्यू आर ये सब सेम है। तो एक ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जिससे तीनों पॉइंट्स का एरिया समान हो, तीनों ट्राइंगल्स का, तो वो होता है आपका सेंट्रोइड। तो एक्चुअली आपको यहाँ पर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि ये निकाल करके एरिया इक्वल करना है, ठीक है, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो उसके बाद आपको सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट चाहिए, बहुत आराम से निकाल सकते हो। 0 + 3 + 6/3 दैट इज 3, 0 + 4 + 0/3 दैट विल बी 4/3, सो 0, 3, 4/3 ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन, जो कि सही है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए आपको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है, इनइक्वालिटी तो आप सब बहुत आराम से सॉल्व करते होंगे, ठीक है, सबका फेवरेट टॉपिक होता है ये। कैसे करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को पुट करते हैं। चलिए करते हैं, सबसे छोटा नंबर आई थिंक -9, उससे बड़ा ये हो गया -8, ये हो गया, कोई रह जाए तो बीच में बाद में कर देंगे, इसके बाद नेगेटिव में कुछ है नहीं, पॉजिटिव के अंदर 0, 0 के बाद में 1, ये हो गया, ये हो गया, इसके बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद में 5 और 5 के बाद में 6, आगे सब। चलिए साइनिंग करते हैं, राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव, अगर सारे कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है तो, नहीं तो पहले उसको पॉजिटिव बना देना। इसके बाद में 6 वाले की पावर 1 चेंज हो जाएगा साइन, 5 वाले की पावर जहाँ से 5 आ रहा है उससे, है ना, उसकी पावर ऑड, यहाँ भी चेंज हो जाएगा, 3 पावर ऑड, साइन चेंज, 2 वाले जहाँ से आ रहा है पावर ऑड पॉजिटिव, 1 जहाँ से आ रहा है 1003 चेंज हो जाएगा, इसके बाद 0 जहाँ से आ रहा है यहाँ चेंज नहीं होगा, बस ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद ये हम -8 पे पहुँच गए, -8 पर भी चेंज नहीं होगा, ये भी नेगेटिव, इसके बाद 9 पर भी 2002, ये भी नेगेटिव, ये देखिए लास्ट के अंदर थोड़ा सा ना
जो नंबर्स थे ना जीरो के बाद में सारे, सबकी पावर इवन थी, 2000 माइनस 8 के अंदर, जीरो के अंदर, ठीक है ना, माइनस 9 के अंदर, सब जगह पे नेगेटिव रहेगा। चलिए, कौन सा पॉइंट आंसर में होगा कौन सा नहीं होगा, तो 5 वाला पॉइंट आंसर में होना चाहिए आपका, 5 के अलावा आपका माइनस 8 आंसर में रहेगा, इसके अलावा आपका 1 आंसर में रहेगा, ये तीनों पॉइंट्स आपके आंसर के अंदर आने चाहिए और बाकी पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। क्लियर है? तो चलिए लिखते हैं अपना आंसर। माइनस 9 आंसर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो माइनस इंफिनिटी से माइनस 9 ओपन इंटरवल, ठीक है। यूनियन माइनस 9 से माइनस 8, माइनस 9 से लेके, अच्छा माइनस 9 से लेके माइनस 8 तक आने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां भी नेगेटिव, ये भी चाहिए, ये भी नेगेटिव, तो सीधा जीरो तक आ जाइए। माइनस 9 से जीरो, और जीरो पर कैसा ओपन, इसके बाद यूनियन जीरो से वन, वन पर कैसा क्लोज, इसके बाद यूनियन वन तक आ गए हैं हम, ठीक है। वन से टू में पॉजिटिव वो नहीं चाहिए, फिर टू से थ्री में आ जाते हैं, दोनों जगह पे ओपन इंटरवल, फिर फाइव पर क्लोज ब्रैकेट और सिक्स पर ओपन इंटरवल, ऐसा ऑप्शन जो है वो आपका सही है, और आई थिंक ऐसा ऑप्शन जो दिया गया आपको ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। क्लियर है? थोड़ा सा बड़ा था लेकिन सिंपल था, आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इफ ए बी सी आर द थ्री डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स इन जीपी एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स बाई बी देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। देखिए ए बी सी जीपी में है तो ए को लिख सकते हो ए बाई आर, बी बाई आर, क्योंकि बी मिडिल टर्म है, बी को बी रखिए और सी को लिख सकते हो बी आर विल बी इक्वल टू एक्स बी, ठीक है ना, बी से बी कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई आर प्लस आर प्लस 1। अब देखिए जब आप इसमें amgm लगाएंगे, ठीक है, तो इसकी जो रेंज आती है ना, ठीक है ना, तो जब ये पॉजिटिव होता है ना तब तो होता है ये 2 से इनफाइनाइट के बीच, और जब ये नेगेटिव होता है तो ये होता है माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 के बीच। इसको बच्चे भूल जाते हैं नेगेटिव वाले पार्ट को, लेकिन ध्यान रखिए ये तो तभी होता है जब क्या हो आपके सामने 2 से इनफिनिटी, तब होता है जब r पॉजिटिव होता है। अगर r नेगेटिव भी हो सकता है आपका, तो जब नेगेटिव होता है ना तब इसकी रेंज ये आती है, और ये इसकी रेंज है किसकी, r प्लस 1 अपॉन r की, ये यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 1 ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट नहीं दिया गया है, क्यों, क्योंकि ए बी सी आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स दिए हैं, तो जब डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स है तो ये कभी सेम नहीं होगा, और एम और जी एम जब सेम नहीं होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके सामने, ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका डोमेन से पूछा गया है, ठीक है, तो डोमेन के क्वेश्चंस भी बच्चों के फेवरेट होते हैं, ठीक है, आपके भी होंगे। डोमेन ऑफ द फंक्शन, अगर इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो सारी कंडीशंस लगाते हैं। सबसे पहले इनवर्स की लगा देते हैं, 2x होना चाहिए आपका माइनस 1 से 1 के बीच, तो यहां से आपको x का इंटरवल मिलेगा माइनस 1 बाई 2 से प्लस 1 बाई 2, ये तो एक कंडीशन है। इसके अलावा इसके अंदर एक रूट और प्रेजेंट है, तो रूट की कंडीशन और लगेगी, तो देखिए रूट की कंडीशन से क्या आएगा, साइन इनवर्स 2x जो है आपके सामने वो कैसा होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, मीन्स ये माइनस पाई बाई 6 से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है। देखिए कितना आएगा, 2x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए साइन इनवर्स माइनस पाई बाई 6 दैट इज माइनस 1 बाई 2, तो x ग्रेटर देन होना चाहिए माइनस 1 बाई 4, x माइनस 1 बाई 4 से ग्रेटर होना चाहिए, और एक कंडीशन है आपके सामने ये, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस 1 बाई 4 से प्लस 1 बाई 2, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? लोअर लिमिट ये हो जाएगी, क्योंकि ये नंबर और इसके इंटरसेक्शन में ये पार्ट आएगा, और अपर लिमिट आपकी 1 बाई 2 तक जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए पीएनसी से, पीएनसी के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। आउट ऑफ 10 आइडेंटिकल वाइट, 9 आइडेंटिकल ब्लैक, 10 आइडेंटिकल वाइट एंड 7 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, ठीक है ना, ये तीन टाइप की बॉल्स दी गई है आपको। नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन ऑफ वन और मोर बॉल, एक या एक से ज्यादा सिलेक्शंस करने हैं तो क्या तरीका होता है, नंबर ऑफ बॉल प्लस 1 टोटल सिलेक्शन, 9 प्लस 1 और 7 प्लस 1, ये तो हो जाएगा टोटल सिलेक्शन आइडेंटिकल के केस में। क्लियर है? ध्यान रखिए डिफरेंट और आइडेंटिकल में अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं। माइनस
क्योंकि हमें ऐसा केस लेना जिसमें कम से कम एक बोल या उससे ज्यादा आए, तो मीन्स हमें इसके अंदर ये केस भी काउंट होता है जब एक भी बोल ना आए, ठीक है। तो ऐसा एक ही केस होगा, इस एक केस को सबट्रैक्ट कर दीजिए जब तीनों जीरो हो जाए। क्लियर, इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है। 11 × 10 × 8 − 1 880 − 1 there will be 879। मैंने कहा बहुत आराम से सॉल्व होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, अगेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। इन ट्राइंगल एबीसी मीडियन एडी एंड सीई आर ड्रॉन, इफ एडी विल बी 5, एंगल डीएसी पाई पाई 8, एंगल एसीई पाई पाई 4, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिए कैसे करेंगे, आपको एक ट्राइंगल बनाना है ऐसा, इसके अंदर दो मीडियन ड्रॉ करनी है, एक पॉइंट ए से एडी और एक आपको पॉइंट सी से करनी है, देयर विल बी सी ई। इफ एडी विल बी इक्वल टू 5, एडी की लेंथ 5 दी है, एंगल डीएसी, डीएसी ये एंगल दिया है हमें पाई पाई 8, इसके अलावा एंगल एसीई, एंगल एसीई ये एंगल दिया गया है हमें कितना, पाई पाई 4। देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। तो देखिए थोड़ी देर पहले जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा एजीसी का, वैसे आपके तीन ट्राइंगल बनते हैं इसके अंदर, तो इसका एरिया अगर निकल जाता है हमारा तो हम सारा निकाल लेंगे, और इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, आपको दिया गया है कि एजीसी, ठीक है, एजी लेंथ आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको एडी लेंथ 5 दे रखी है, तो ये 2:1 में होता है, तो एजी लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2/3 इंटू टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ कितनी है आपकी 5, तो ये लेंथ है आपकी 10/3। एजी लेंथ आ गई, तो आप सीजी लेंथ भी निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि आप साइन रूल का यूज कर सकते हो, जब आपको एक साइड दे रखी हो और दो अपोजिट एंगल्स दे रखे हो तो आप इस वाली साइड की लेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है ये वाई है, ठीक है, और वो हमारे को दे रखी थी 10/3, तो देखिए 10/3 डिवाइड बाई उसका ऑपोजिट एंगल कितना है, साइन पाई पाई 4 विल बी इक्वल टू, इसको हमने वाई माना है, या चाहो तो सीजी भी लिख सकते हो, वाई को छोड़िए, सीजी डिवाइड बाई इसका ऑपोजिट एंगल है साइन पाई पाई 8। तो यहां से आपको सीजी की लेंथ मिल जाएगी, सीजी विल बी इक्वल टू कितना आएगा, साइन पाई पाई 8 डिवाइड बाई साइन पाई पाई 4 इंटू 10/3, ये आपकी सीजी की लेंथ आ गई, सीजी की लेंथ आ गई, एजी की लेंथ आ गई। अब अगर मेरे को ये एंगल पता चल जाए तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकता हूँ, तो ये एंगल तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि ये दो एंगल पता है, तो पाई में से इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, सो पाई माइनस पाई पाई 4 माइनस पाई पाई 8, तो ये आ जाएगा 5π/8, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे इस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू साइड, साइड कितनी हो जाएगी आपके सामने, एक साइड तो है 10/3, इसके अलावा दूसरी साइड, दूसरी साइड ये रही इधर 10/3 इंटू साइन पाई पाई 8 डिवाइड बाई साइन पाई पाई 4, साइन पाई पाई 8 डिवाइड बाई साइन पाई पाई 4, और साथ में आएगा क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू ए बी मीन्स पास वाली दोनों साइड की लेंथ, ये लेंथ इंटू ये लेंथ और इंटू साइन का ये एंगल, तो साइन 5π/8। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और ये जो भी आंसर आ रहा है ना इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो ट्राइंगल एबीसी है उसका एरिया आ जाएगा, ट्राइंगल एबीसी का एरिया, ठीक है। इसको कैलकुलेट आप लोगों को करना है, मैं बता देता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सर को आ नहीं रहा इसलिए नहीं कर रहे, बहुत ईजिली आ जाएगा, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, तो ये कॉस पाई पाई 8 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, किसमें, कॉस पाई पाई 8 में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, इसमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना तो ये साइन पाई पाई 4 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारा कट कटा करके और आपका फाइनली आंसर आएगा 25/3, ठीक है ना, एक 3 कट जाएगा यहाँ से, एक 2 यहाँ से 5 कट रहा है, एक 2 जब इसको साइन 2 थीटा में कन्वर्ट करोगे तो वहां से आकर के और ये 5 कटेगा, तो सिर्फ आपका 25/3 ये बचेगा, और ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका,
इनइक्वलिटी प्लस इनवर्स का। तो देखिए पहले इनइक्वलिटी को सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। एक्स स्क्वायर को इधर ले आए, माइनस थ्री एक्स को इधर ले आए, प्लस टू विल बी लेस देन इक्वल टू जीरो। सो एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू विल बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो एक्स की जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है वन से लेकर के टू के बीच में, ठीक है ना। एक्स बिलोंग टू वन टू टू, लेकिन क्योंकि देखिए हमें x की वैल्यू साइन इनवर्स में पुट करनी है और साइन इनवर्स की डोमेन फिक्स होती है, तो इसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जो हम इसमें पुट कर सकते हैं और वो है सिर्फ x इक्वल टू वन। इसके अलावा बाकी पुट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी डोमेन में ही नहीं है। और x इक्वल टू वन जब आप इन सब जगह पे पुट करेंगे तो देखिए आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा साइन इनवर्स वन दैट इज पाई पाई टू, यहाँ पर भी साइन इनवर्स वन का स्क्वायर ये भी पाई पाई टू होगा और ऐसा चलेगा आपका टेन टाइम तक। तो ये आ जाएगा टेन टाइम पाई पाई टू, there will be 5pi, so 5pi आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन जो कि सही होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है। देखिए क्या है, गिवन टू इवेंट्स ए एंड बी, इफ द ऑड्स इन अगेंस्ट टू ए इज 2:1 and those in the favor of A union B is 3:1, then आपको बताना है ये। देखिए odd against जब भी दिए हो that means आपको क्या दिया रखा है, probability of A divide by probability of A bar, ठीक है। तो probability of A निकालना है तो ये ऊपर चला जाए, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे दोनों का addition आ जाएगा, that is 1/3, ठीक है ना। ये होती है probability of A bar divide by probability of A, तो probability of A में 1 आएगा और फिर दोनों का addition। फेवर के अंदर दे रखा है तो ये ऊपर रहेगा, जो ऊपर है वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऊपर है आपके सामने 3 और नीचे कितना है 4। क्लियर है, 3/4। चलिए अब इससे आपको क्या करना है, आपको बी की रेंज निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले दोनों का डिनोमिनेटर को सेम बनाइए, तो यहां से मिलेगा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दोनों में 12 बना लेते हैं तो यहां पर आ जाएगा 4/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा आपका 9/12। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की रेंज क्या आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेन डायग्राम से देखते हैं, देखिए चीजों को, आपको ए यूनियन बी के अंदर टोटल 9 एलिमेंट्स दे रखे हैं, एक तरीके से ए में टोटल 4 दे रखे हैं। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक्स एलिमेंट है तो यहां पर कितने हो जाएंगे 4-x, और टोटल क्योंकि 9 है आपके सामने तो यहां पर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, ताकि सारे कट करके आपके पास में कितना आ जाए 9 आ जाए। क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स प्लस बी, x प्लस 5 को। ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, x प्लस 5 डिवाइड बाय कितना टोटल, और टोटल कितना है आपके पास में, टोटल है आपके पास में 12, x प्लस 5/12। ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है, अब देखिए बात करते हैं इसकी रेंज कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमें ये पता है कि जो 4-x जो है ना वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4-x जो होगा ना वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां से वैल्यू मिलेगी x विल बी लेस देन 4। क्लियर है, अच्छा 0 से x लेस देन 4 के अंदर जब यहां पर आप कंडीशन लगाएंगे तो आपको एक इनइक्वालिटी मिल जाएगी। और दूसरा, ये कभी भी आपके सामने किससे ग्रेटर नहीं हो सकता, ये आपके सामने जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना उससे 0 से बड़ा होगा और 12 से हमेशा कैसा रहेगा, लेस रहेगा। तो इसमें जब आप कंडीशन लगाएंगे इधर तो 12-4 इधर से आपके पास में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सो x विल बी लेस देन 4 और उधर से आपके सामने कितना आएगा, नहीं एक सेकंड दोबारा देखिए, 4-x की जो वैल्यू है आपके सामने ग्रेटेस्ट कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 4 आ सकती है इसकी वैल्यू, पर जब x आपके सामने कितना हो जाए 0 हो जाए, और मिनिमम आपके पास में कितना आ सकता है 0 हो सकता है, तो 0 से 4 के बीच में हो सकता है x की वैल्यू। ऐसे देखिए x की वैल्यू आपकी 0 से 4 के बीच में हो सकती है, ठीक है ना। सीधा x की वैल्यू 0 से 4 में है तो 5 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी किससे बीच में लाई करेगी, x प्लस 5 और इधर आ जाएगा 5+4 9, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 12 और इधर भी आ जाएगा आपके पास में 12 और ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 5/12 से ग्रेटर होगी और 9/12 से लेस होगी, और ऐसा आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखिए 19 आपका डिटरमिनेंट से है, आराम से सोल्व कर सकते हैं। जब भी दो डिटरमिनेंट्स में कंपैरिजन आता है तो एक को दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो वो तो सिंपल लग रही है, इसको कन्वर्ट करते हैं।
कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहली रो के अंदर ए का मल्टीप्लीकेशन किया तो ये बनेगा ए ए बी सी और ए स्क्वायर, इधर बनेगा कितना, बी से मल्टीप्लाई कर दिया बी ए बी सी बी स्क्वायर, इधर सी ए बी सी और सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा तो ए बी सी से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद में ए बी सी को बाहर निकाल लीजिए तो ये वापस कट जाएगा, तो ये डेल्टा टू था ना, डेल्टा टू, तो ये रहेगा ए बी सी, ये वन 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 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके बाद वन 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 को पहले ले आते हैं तो पहले ले आएंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा टू विल बी इक्वल टू माइनस साइन वन 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 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये डेल्टा टू आ गया और यही डेल्टा वन है। इसको रो को अगर आप कॉलम में कन्वर्ट कर देते हो ठीक है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डेल्टा टू की वैल्यू इक्वल होगी माइनस डेल्टा वन के, और डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन के इक्वल आ रहा है, एट दैट मीन्स डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। जब भी दो डिटर्मिनेंट आती है ना हमेशा एक को दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर। आपको दो कर्व दिए गए हैं और आपको बताना है कि टू कॉनिक्स इंटरसेक्ट, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी। तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं माइनस ए अपॉन बी वाई डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन। देखिए कितना आएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा ठीक है, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर, कितना आएगा देखिए, ए बी से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा माइनस का बी वाई, यहाँ पर आएगा माइनस का ए वाई स्क्वायर और विल बी इक्वल टू वन। तो यहाँ से आपको कंडीशन मिलेगी, देखिए क्वाड्रेटिक मिलेगी, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई एंड प्लस ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्योंकि ये कॉनिक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाई की रियल वैल्यूज मिलेगी और वाई की रियल वैल्यू के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करोगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर, ठीक है ना, फोर ए स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, देयर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो बी स्क्वायर कॉमन आएगा, वन माइनस फोर ए स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है तो दूसरी वाली कंडीशन भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ से मिलेगा फोर ए स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो, सो ए स्क्वायर विल बी लेस देन वन अपॉन फोर। इससे आपको ए का इंटरवल मिलेगा माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू, ए की वैल्यू माइनस वन बाई टू से प्लस वन बाई टू है लेकिन ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये आपके सामने क्या है, सांकव दे रखा है और सांकव में ये लेंथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे और ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे ठीक है, तो फिर यहाँ से आपको ए का जो पॉजिटिव इंटरवल मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, जीरो से वन बाई टू, क्लियर। तो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, आगे बात करते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। सो चलिए बात करते हैं इंटीजर टाइप में अपना फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको बोला है इफ द इक्वेशन दिस वन माइनस कॉस एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू मॉड एक्स प्लस ए एक्स बिलोंग टू जीरो टू पाई हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ ए इज आर, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन कब आता है कोई भी दो इक्वेशन का, जब वो दोनों एक दूसरे को टच कर जाए, ठीक है, अगर एक कर्व हो और दूसरी स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन का देख सीधा आ सकता है बट एक कर्व हो और दूसरी स्ट्रेट लाइन हो तो ऐसा तभी आ सकता है एक सॉल्यूशन, ठीक है, जब वो उसको क्या कर जाए, टच कर जाए, क्लियर। और यहाँ पर जब इसको टच करेगी तो आपको बताना है कि ए की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है वो क्या क्या आ सकती है, उसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये जो दे रखी है यहाँ पर लाइन्स दे रखी है तो इन लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है, रूट थ्री बाई टू, ठीक है। तो यहाँ से अगर क्योंकि ये इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगी ना, ठीक है ना, उसकी जो स्लोप होगी वो रूट थ्री बाई टू के इक्वल होगी, क्योंकि ये जो लाइन है ये इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करेगी। तो इधर से अगर मैं इस कर्व की बात करूँ तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, अगर इसको एफ एक्स ले लूँ एफ डैश एक्स, तो वो कितना आ जाएगा, साइन एक्स, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर जो स्लोप होगी वो इसी को रिप्रेजेंट करेगी और इसकी वैल्यू है रूट थ्री बाई टू। तो यहाँ से x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, जीरो से पाई में दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है आपकी, एक तो रूट थ्री बाई टू होता है आपका 30 डिग्री पाई पाई थ्री के ऊपर, और दूसरा होगा आपके सामने कब होगा, रूट थ्री देयर विल बी फाइव पाई पाई
टू पाई पाई थ्री के ऊपर, ठीक है ना। ये दो पॉइंट आएंगे, एक पाई पाई थ्री, दूसरा टू पाई पाई थ्री। जब पाई पाई थ्री होगा तो ये वन बाई टू होगा, तो यहां से ये वन बाई टू आ जाएगा, और जब टू पाई पाई थ्री होगा तो माइनस वन बाई टू होगा, तो ये उस केस में थ्री बाई टू आ जाएगा। एक्चुअली आपके ये दो पॉइंट्स होंगे, एक पाई पाई थ्री कॉमा वन बाई टू और दूसरा टू पाई पाई थ्री कॉमा थ्री बाई टू, और ये दोनों पॉइंट आपके इस लाइन पर भी लाई करेंगे, y इक्वल टू रूट थ्री बाई टू इंटू मॉड एक्स प्लस ए। तो जब इसके अंदर ये दोनों पॉइंट आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको ए की दो पॉसिबल वैल्यूज मिलेगी, टू पॉसिबल वैल्यूज, और आपसे यही पूछा है कि ए के अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ सकती है डिस्टिंक। और क्योंकि देखिए पॉइंट अलग अलग है तो सिंपल सी बात है कि दोनों वैल्यूज डिफरेंट मिलेगी, और अदरवाइज आप निकाल के भी चेक कर सकते हो कि दोनों डिफरेंट आएगी। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2 से आपको इसको फिल करना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, देखिए हमारा इंटीजर टाइप में क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा है कि गिवन फैमिली ऑफ द लाइन, ये एक कोई फैमिली ऑफ द लाइन है, अमंग द लाइंस ऑफ द फैमिली द नंबर ऑफ लाइन सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ रूट 10 फ्रॉम द पॉइंट 2, -3। देखिए आपको एक ऐसी फैमिली ऑफ द लाइंस दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है, दैट इज 2, -3, ठीक है, और आपको ये बताना है कि इस 2, -3 से, ठीक है ना, इस रूट 10 डिस्टेंस पर टोटल कितनी लाइंस हो सकती है। ठीक है, जो इस फैमिली ऑफ द लाइंस का पार्ट होनी चाहिए, दैट मीन्स वो आपकी जो लाइंस है वो इसी पॉइंट से पास करनी चाहिए, L1 और L2 थी, तो इसी पॉइंट से पास करने वाली वो लाइंस होनी चाहिए। क्लियर है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट निकालते हैं और देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसी से हमें आइडिया लगेगा। तो इसको सॉल्व किया हमने, 2x + y + 4 = 0, और दूसरी लाइन है x - 2y, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2x - 4y - 6 = 0। इसमें से इसको सबट्रैक्ट किया, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो ये कैंसिल आउट, 5y + 10 = 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो -2 होगा। x की बात करते हैं, y को -2 पुट किया तो 2x + 2 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं AM, ठीक है ना, AM की लेंथ कितनी होगी। तो AM की जो लेंथ आएगी आपके पास में वो आएगी 2 + 1 = 3, देयर विल बी 9, -3 + -2 दैट इज 1, दैट विल बी √10। अब देखिए √10 आ रही है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको भी √10 दे रखी है, तो √10 डिस्टेंस पर तो आपकी एक ही लाइन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि किसी भी पॉइंट से √10 के ऊपर आपके सामने एक ही लाइन पॉसिबल हो सकती है, दैट विल बी परपेंडिकुलर। अब आप कहेंगे कि सर वो तो इधर भी तो हो सकती है, तो जो इधर करोगे ना तो वो इस पॉइंट से पास नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो भी लाइन है ना वो इस पॉइंट से भी पास करनी चाहिए, और इस पॉइंट से क्योंकि ये लेंथ अगर √10 है तो इधर अब ये √10 नहीं आ सकती, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर आप एक पॉइंट से दो परपेंडिकुलर लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन पॉसिबल होगी, तो आपका जो आंसर लिखा जाएगा वो 0.1 से लिखा जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि 0 से 2π में टोटल कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो चलिए बात करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बी sin x / cos x + 1/cos x = 2 cos x। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, देखिए sin x + 1 = 2 cos²x को लिख दिया 1 - sin²x, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 sin²x + sin x, और ये इधर आकर के हो जाएगा -1 = 0। सो 2 sin x + 1 और sin x - 1, 2 sin²x - 2, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, ठीक है ना, 2 sin x - 1 और sin x + 1, अब सही आ रहा है, 2s² + 2s - s और साथ में -1, बिल्कुल। तो sin x की दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है 1/2 और दूसरी आ रही है -1। तो 0 से 2 पाई में sin x की वैल्यू 1/2 तो दो बार होगी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री पे और 150 डिग्री पे, और -1 एक ही पॉइंट पर होगी, दैट इज 3π/2, देयर विल बी 270 डिग्री पे। तो तीन सॉल्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन आपका ये जो सॉल्यूशन है ना ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, देखिए जब भी 10 sec की टर्म्स आती है तो हम चेक करते हैं वापस
कहीं ऐसी टर्म तो नहीं आ रही ना जब ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये अनडिफाइंड हो रहा है आपका 270 पे 10x, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। तो 0 से 2 पाई के अंदर इस इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, ये जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है इसके सिर्फ दो ही सॉल्यूशन होंगे, 30 डिग्री और आपके सामने 150 डिग्री। क्लियर है? ध्यान रखें जब भी 10 वाले क्वेश्चन आते हैं क्रॉस चेक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके सामने जब ये अनडिफाइंड होते हैं उन केस को आपको नहीं लेना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ सेग स्क्वायर थीटा प्लस कोसेग स्क्वायर थीटा। तो सेग स्क्वायर को लिख सकते हो आप 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेग स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कितना आएगा देखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 1 2 और इसकी वैल्यू मिनिमम निकालने के लिए देखिए 10 और कॉट वैसे स्क्वायर है और पाई पाई 6 से पाई पाई 3 के बीच में कहीं ब्रेक भी नहीं हो रहा है, ठीक है? तो AMGM से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है अगर वो पॉजिटिव हो। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 इंटू कॉट 1 होता है, तो यहाँ से इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 ये होगा और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी आपके सामने, 2 आएगी। तो 2 प्लस 2 आपके सामने कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 2 नहीं है, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। तो 2 मिनिमम में जब आप 2 ऐड करोगे तो 4 मिनिमम मिलेगा, मीन्स इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। तो 0-4 से इसका आंसर आपको लिखा जाएगा। चलिए इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पेपर का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं वो कैसा है। इसमें देखिए आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? कौन सा एक्सप्रेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चलिए बात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2b सबको ऐड कर दो, बी स्क्वायर प्लस 4c और कितना है आपके सामने, सी स्क्वायर प्लस 6a और कितना दे रखा है, 7 माइनस 7 माइनस 14, तो उधर आ जाएगा -14। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमारा पर्पज ये होता है कि हम इसको परफेक्ट बना करके देखें। इसको 1 की जरूरत है, इसको 4 की जरूरत है और इसको 9 की जरूरत है। जितना इधर ऐड किया उतना इधर भी ऐड कर दो, 1 प्लस 4 प्लस 9। तो देखिए क्या बना, a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 3 का होल स्क्वायर और इधर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 14 प्लस 14 दैट इज 0। तीन स्क्वायर्स का सम 0 आ रहा है, ये तभी हो सकता है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। अगर तीनों नंबर्स 0 कब होंगे, जब ये माइनस 1 होगा, जब b माइनस 2 होगा और जब c आपका माइनस 3 होगा। ए बी सी सबकी वैल्यूज आ चुकी है, -1 -2 -3, तो आप इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। ए स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 14। तो यही आपका क्या है, आंसर है। तो इसका आंसर लिखा जाएगा आपका 0 नहीं, इस बार देयर विल बी 14, ठीक है? सो 14 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए इसी के साथ हमारा आज का कंप्लीट होता है सॉल्यूशन। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लास में आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।